एशिया के एकमात्र हीरा खदान एनएमडीसी में नए साल से उत्खनन का कार्य पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। खदान चालू करवाने के लिए युवा कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि 1968 में कांग्रेस शासनकाल के दौरान हीरा खनन पर योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन बीजेपी ने योजनाबद्ध तरीके से खदान बंद करा दी। सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं दिख रही। आगे चलकर खदान को उद्योगपतियों को सौंपा जा सकता है। जो कांग्रेस इस संबंध में सारे गांव के लोगों को लेकर पन्ना शहर के लोगों के साथ बहुत व्यापक रूप से आंदोलन करेगी उस एनएमडीसी के सामने, और इस शिवराज सिंह सरकार को झुकना पड़ेगा और एनएमडीसी को दोबारा चालू करना पड़ेगा। पन्ना के लिए बहुत ज्यादा एक पन्ना आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश के भारत देश के सबसे पिछड़े जिलों में पन्ना आता है, और पन्ना में आप बताइए क्या विकास हो रहा है? पन्ना में कोई विकास नहीं है, सिर्फ एक वो खदान थी जिससे नाम चलता था पन्ना का कि हाँ पन्ना में हीरा की एकमात्र एनएमडीसी खदान है।